हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी एडुकेयर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो चलिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स होता क्या? सपोज मान लीजिए हमें दो सेट्स गिवन है, ए एंड बी। ठीक है, दो सेट्स है हमारा, और डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी की अगर बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी से। ठीक है, और ये आपको कंटेन करता है ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब ए का तो पार्ट होना चाहिए, बट वो एलिमेंट्स जो कि बी के भी पार्ट हैं वो रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, ए माइनस हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए। तो ए माइनस बी हमारा होता है एक्स, सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए का तो एलिमेंट होना ही होना है, बट हम बी के एलिमेंट को उससे रिमूव कर देते हैं। और ए माइनस बी इक्वल टू एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हमारा एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमें ये गिवन हो कि x इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, तो उस केस में बोल सकते हैं हम x इज एन एलिमेंट ऑफ a माइनस b। ठीक है, चलिए अगर वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है u। ठीक है, और यहाँ देखिए दो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो सेट को, सेट a और सेट b। ठीक है, तो ये ग्रीन शेडेड पोर्शन जो है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी। देखिए पूरा सेट ए माइनस, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ये पोर्शन रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये हमें दे देगा ए माइनस बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट और जो बी के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है या बी में भी है वो हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया ए माइनस बी का। देखिए सिमिलरली अगर हमें b माइनस a कैलकुलेट करना है, तो b माइनस a मीन्स क्या हुआ? ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट b विच डू नॉट बिलोंग टू सेट a। ठीक है, तो b माइनस a इक्वल टू x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ b सच दैट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ a। तो देखिए यहाँ ग्रीन शेडेड एरिया ये हमारा हो गया b माइनस a। ठीक है, ये हमारा सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, तो पूरा सेट बी में हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल टू सेट बी माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये भी लिखेंगे तो आपका सेम ही आएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पर। तो देखिए ए सेट गिवन है और बी सेट गिवन है, दोनों के एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो हमें फाइंड करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो आप तो डायरेक्टली या तो ए माइनस बी कर सकते हैं कैलकुलेट, या पहले ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ए से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए तो दोनों मेथड हम देख लेते हैं। ए माइनस बी अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करें, ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स माइनस जो बी में वो एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है। तो ए में देखिए टू, बी में टू नहीं है, तो यहाँ टू आप ले लीजिए। सिमिलरली थ्री देखिए बट बी में है, तो वो हम रिमूव कर देंगे। फोर, फोर बी में नहीं है, तो यहाँ फोर भी आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा फाइव है और बट बी में फाइव है, इसलिए हम ये नहीं लेंगे इस सेट में। सिक्स, बी का एलिमेंट सिक्स नहीं है, तो सिक्स यहाँ हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए सेवन, तो सेवन जो है हमारा बी का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो ये टू फोर सिक्स ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, टू फोर सिक्स, तो थ्री फाइव सेवन जो ऑड एलिमेंट है वो रिमूव हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, और हम क्या कर सकते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट छोटा है उससे स्टार्ट कीजिए आप, तो टू देखिए थ्री बी में नहीं है, ए में है सिर्फ, तो थ्री हो जाएगा, थ्री दोनों में है,
उसके बाद 5 दोनों सेट्स में है और 7 दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हम ए माइनस बी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेट ए के एलिमेंट्स टोटल आप नोट डाउन कर लीजिए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3, 5, 7, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है। ये हो गया हमारा ए माइनस बी। अब सिमिलरली हमें बी माइनस ए अगर कैलकुलेट करना है तो बी माइनस ए आपके हो जाएंगे, देखिए बी के सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें ए के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो 3 देखिए ए में भी है तो 3 हम नहीं नोट डाउन करेंगे, 5 भी ए में है वो भी नहीं आएगा, 7 भी है, तो बचे 3 एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, तो 9, 11 एंड 13, 9, 11 एंड 13, ठीक है ये 3 एलिमेंट्स हो गए। चलिए एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ क्या है, 4 सेट्स डी गिवन है, ए बी सी और डी, सभी सेट्स के एलिमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी, ए माइनस सी एंड डी माइनस डी, ठीक है। तो चलिए एक एक करके करते हैं, पहला हमें है ए माइनस बी, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, तो जो भी बी के एलिमेंट्स होंगे ए में वो हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो ए आपका 3, देखिए 3 बी में नहीं है तो ए 3 हो जाएंगे, 6 बी में नहीं है तो 6 भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए 12 जो है बी में है तो ये नहीं होगा, 15 बी के एलिमेंट नहीं है तो 15 आप नोट डाउन कर लीजिए, 18 बी में नहीं है तो 18 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट एलिमेंट 21, वो भी बी का पार्ट नहीं है तो 21 भी है। ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस सी, ठीक है। अब ए के एलिमेंट्स से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। चलिए 3 देखिए सी का एलिमेंट नहीं है तो 3 हो जाएगा, 6 देखिए सी में भी है तो 6 हम नहीं लेंगे, उसके बाद 12 भी सी का एलिमेंट है तो ये हम नहीं लेंगे, 15 यहाँ हो जाएगा क्योंकि सी में नहीं है, उसके बाद 18 आपका 18 सी में है, नहीं सॉरी 18 भी नहीं है तो 18 भी हो जाएगा आपका 18, और नेक्स्ट एलिमेंट 21 सी में नहीं है तो ये भी हो जाएगा 3, 15, 18 एंड 21, ये हमारा हो गया ए माइनस सी। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है बी माइनस डी, ठीक है। तो सेट बी हमारा ये है और डी ये है, तो बी के एलिमेंट्स में डी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो 4 देखिए 4 नहीं है डी का एलिमेंट तो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट 8, 12, उसके बाद आपका 4, 8, 12, 16 नहीं है, सिर्फ 20 है, ठीक है 20 कॉमन एलिमेंट है, 20 को हम नहीं लेंगे, तो 4, 8, 12 एंड 16 हो गए फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, और इसके वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी हमने डिस्कस किया, और डिस्कशन के बेसिस पर हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।